नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के नौरंगाबाद में दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े की वजह पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद कर चुकी है। कल चौकी ज्वालापुरी क्षेत्र के थाना कुआरसी क्षेत्र में एक व्यक्ति पाठक हैं, ये गए थे अपने पूर्व परिचित के यहाँ पैसा लेने के लिए। इनका कुछ पैसे का बकाया था, वहाँ पे रुपए के लेन देन का प्रकरण है। वहाँ पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और इस प्रकरण में दोनों तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी जिले के शिकुल बाजार ब्लॉक क्षेत्र के सिवा के पुरवा निहालगढ़ सैदापट्टी में कई वर्ष से इंग्लिश मीडियम का स्कूल कई सालों से संचालित है, जो राकेश पांडे उप निरीक्षक की देखरेख में संचालित हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने विद्यालय खलिहान और तालाब की भूमि पर बने होने का दावा करते हुए जिलाधिकारी मुसाफिर खाना को शिकायती पत्र दे दिया। विद्यालय कोषाध्यक्ष संदीप पांडे ने बताया है कि उनका आरएस विद्यालय बेनामा की भूमि पर बना है। गाँव के कुछ लोग विद्यालय संचालन में खनन डाल रहे हैं, अनायास उपेक्षा करते हैं। पिताजी राकेश पांडे लखनऊ के आसपास में नियुक्त हैं, जो विद्यालय आते भी नहीं हैं। गलत आरोप लगाकर उन्हें और विद्यालय को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तालाब और खलियान पर कोई अतिक्रमण नहीं है। हालांकि मामला संज्ञान में लेकर एसडीएम ने मामले की जाँच सौंप दी है। ऐसा सिर्फ गाँव के कुछ लोग, कुछ तत्व वो चाहते हैं कि स्कूल में एक दबाव बना के वो अपने हिसाब से संचालन कराएं स्कूल में, तो इस वजह से वो दबाव बनाते हैं। जो कि हमारा 521 घाटा संख्या और 525 घाटा संख्या 13 बीसवा की जमीन है और उस पर हमारे पूरा स्कूल निर्माण हुआ है, जिसमें किसी प्रकार के खलिया और तालाब का कोई कहीं से कोई ज्वाइन नहीं है। अमेठी में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर बारातियों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसको शांत कराने गए युवक को बारातियों ने जमकर पीट दिया। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए परिवार ने अपने निजी संस्थान से रायबरेली के जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने इसकी तहरीर थाने पर देकर आरोपी बारातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नाम भैया? कंसराज। कंसराज किस ग्राम सभा से हैं? पूरे लोधन जी। जो इंस्पायर हुए हैं कौन था वो आपका? हमारा जी दमाद। क्या नाम था उनका? रामदेव। क्या मामला था पूरा? साहब वही डीजे बाजत रहा, वही नाचत गावत रहे सर। हाँ, और ये गए पता नहीं कसक साहब उनका मारिन साहब। कौन लोग? बराती हो? बराती जी। अच्छा, तो घर के लौंडे गए छोड़ा गए। हाँ, लोहू मार गए साहब। कौन लोग मारी से? बराती लोग घर में घुसिया रहे, उनका छुपाए रहे, पुलिस को चुराई करी उनका, पुलिस ऐसे चली गए देख के बचा के उनका सब। पुलिस कै बजे आई थी? उसी टाइम आई थी? आई लाई आज बदल चले गए लेके, तो आई पुलिस। कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा? नहीं, अभी कुछ नहीं खबर मिली। थाने पूछे को सुनता ही नहीं, जजात उल्टा ही नहीं, लोग मारा थी। अमेठी में एसडीएम तलोई की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अवैध रूप से हो रहे खनन की शिकायत मिलने पर जांच करने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम और सीओ तिलोई। एसडीएम के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले लोग भाग निकले। लेखपाल और ग्राम प्रधान को सख्त हिदायत दी है कि क्षेत्र में अगर अवैध खनन हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से अवैध खनन हो रहा था। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे भिकनपुर गाँव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर की स्वाट और सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 5 शातिर चोरों को चोरी के 6 पशु, अवैध शस्त्र और चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एवं स्वाट सर्विलांस टीम ने आज 5
सातों पांच चोरों को 6 जिंदा भैंसों के साथ गिरफ्तार एवं बरामद किया है। श्यामपुर हरिद्वार के रहने वाले बलगुजर जो बरसात के बाद बिजनौर के रावली गंगा के मैदान में आ जाते हैं। अनेक बन गुजर हैं। 23-24 की रात में 10 भैंसे चोरी हुई। शमशेर सिंह ने FIR कायम कराया। 5 साथी चोर जिसमें कासिम, साजिद, शकील, मुनव्वर और गुलाम हैं। कन्नौज के जीटी रोड पर एक बार फिर बुलडोजर गर्जा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लोगों से नोकझोंक भी हुई है। पालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। बुलडोजर ने सैकड़ों अवैध निर्माण ढाना शुरू किया। SDM उमाकांत तिवारी, पालिका IO नीलम चौधरी, नायब तहसीलदार की अगुवाई में यह अभियान शुरू किया गया। तिरवा क्रॉसिंग से अंधा मोड़ तक अतिक्रमण ढाया गया। दुकानदारों का विरोध देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई। पालिका IO का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने अतिक्रमण किया हुआ है। ललितपुर में 3 दिन से लापता महिला का शव कुएं में पड़ा मिला। महिला का शव बाहर निकालने पर महिला के दोनों हाथ बंधे हुए थे और पैर में जलने के निशान थे। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। ASP ग्रीश कुमार ने बताया कि मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। मामला थाना जखौरा अंतर्गत नरोरा गाँव की है। यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। VVI गेस्ट हाउस में क्वारंटीन कर दिया गया है। अरसेस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी तमिलनाडु में पकड़ा गया। तमिलनाडु के पुदुकोटी जिले का राज मोहम्मद UPATS की जानकारी पर तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। राज मोहम्मद ने यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी फोन पर व्हाट्सएप के जरिए भेजी थी। गोरखपुर में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रुपए कमाने की लालसा में आने वाली फोन कॉल्स पर विश्वास किया जा रहा है, तो इसलिए सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप साइबर ठगों के झांसे में आकर अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई गवा दें। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी के गोरखपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां साइबर ठगों ने शेयर बाजार में रुपए इन्वेस्ट कराकर अच्छा फायदा कमाने का लालच देकर युवक को 7 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हालांकि साइबर सेल की तत्परता से युवक के रुपए खाते में वापस करा दिए गए। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें तहसील संबंधी सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कई अहम विभागों के अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचे। लक्सर में तहसील दिवस एक तरह का शोपीस बना रहा। तहसील दिवस में ऐसा लगा कि शायद अधिकारियों में तहसील दिवस को लेकर कोई रुचि ना हो। पिछले तहसील दिवस में भी 3 से 4 विभागीय अधिकारी नदारद पाए गए थे। देखिए, लक्सर खाद्य आपूर्ति कार्यालय में एक श्रीमती बबीता पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। पिछले कुछ समय पहले ही उनको प्रमोटेड करके इस पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व में वो पिछले 6 से 7 वर्षों तक लगातार एक लिपिक के पद पर कार्य करती आ रही थी। ये प्रश्नचिन्ह उठता है विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों के कार्य स्तर पर कि वो कैसे एक लिपिक को उसी कार्यालय में प्रमोटेड करके पूर्ति निरीक्षक बना देते हैं। ये उनकी प्रश्नचिन्ह लाजमी उठता है। दूसरा, मेरी शिकायत है कि जब जब पीड़ित व्यक्ति राशन डीलर के विरुद्ध अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पूर्ति निरीक्षक के द्वारा उनको वहां से डांट फटकार का भगा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि यदि यहां उनके खिलाफ कोई शिकायत करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें मुझे खाद्य आपूर्ति अधिकारी संजय द्वारा धमकाया गया, फोन किया गया। फोन पर मुझे 1,000 दक्षिणता की बातें की गई और फिर उसके बाद मेरे पास मेरे घर पर राशन डीलर को भेजा गया। राशन डीलर ने भी मुझे कई आदमी इकट्ठा किया और कहा कि आपका राशन बंद करा दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक तहरीर देकर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिसमें मुझे SC जो हमारे यहाँ राशन डीलर है वो SC का है, मुझे उससे भी खतरा है कि कोई भी मेरे खिलाफ SC का मुकदमा कोई दर्ज कराना चाहता है और मैडम से मुझे पूरा पूर्ण रूप से खतरा है कि वो भी मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कराएगी। इसलिए मैंने हेडविट के साथ में एक शपथ पत्र के साथ में SDM साहब को आज ज्ञापन दिया और मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। टोटल 27 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें विशेष करके भूमि की पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें ज़्यादा हैं।
चूँकि एक न्यायिक प्रक्रिया के अंदर पैमाइश की प्रक्रिया होती है, तो उसमें उन लोगों को अवगत भी करा दिया गया कि भाई पैमाइश से संबंधित जो भी धारा 41 के अंतर्गत आवेदन करें, अन्य विभागों की जो शिकायतें पाई प्राप्त हुई हैं उनका निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को दिया जा रहा है। और आज जो मौके पर शिकायतों का निस्तारण हुआ, 5 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। फिरोजाबाद में आज उस समय हड़कंप मच गया जब आगरा से पीपर जा रही एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। आनंद फानंद में बस में बैठी सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिशाई परिवार समिति के अध्यक्ष सौरभ बब्बर के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को उनके कार्य का सम्मान कराने के लिए उनको चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। शिशाई परिवार समिति के अध्यक्ष सौरभ बब्बर ने कहा कि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र ने जब से चार संभाला है तब से जिला सहारनपुर की काया पलट कर दी है। हर तरफ चौमुखी विकास की परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। सहारनपुर के नगर निगम में शिकायतों के जल्द एवं प्रभाव निस्तारण हेतु जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि नगर विकास मंत्री ने कहा है कि हर मंगलवार को 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होगा। ये अभी माननीय मंत्री जी ने वीसी ली थी और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने ये कहा था कि अब प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जन सुनवाई होगी और उसमें जो भी लोग शिकायत करेंगे उनका तत्काल समाधान किया जाएगा और उसका बाकायदा उन शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो लोग भी उस वहाँ पर यहाँ पर शिकायत दर्ज करेंगे उनको बाकायदा एक स्लिप दी जाएगी जिससे प्रूफ रहेगा कि उन्होंने यहाँ शिकायत दर्ज कराई और समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। तो आज ये पहला जन सुनवाई दिवस है। ये नगर निगम में जो कॉन्फ्रेंस चल रही शिकायत करने आए थे। क्या शिकायत आपकी? मेरी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रखा, 200 फॉर्म भर दिए, सुनवाई नहीं हो रही, साढ़े तीन साल हो गए। तो हाँ, अब आश्वासन मिला कि अब काम हो जाएगा। किन्होंने आश्वासन दिया? ये अधिकारी कौन है? बड़े नगर आयुक्त। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर संभल में मांग उठी है। संभल में असामाजिक तत्वों ने शहर के कई इलाकों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाले पोस्टर लगा दिए हैं। पुलिस ने आनंद फानंद में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी वाले पोस्टर हटवाए हैं। पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले दो युवकों और पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस में संचालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टर लगाए जाने के बाद से पुलिस अधिकारी अलर्ट है। सदर कोतवाली इलाके का ही पूरा मामला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।